हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लेखक के बारे में बताऊंगा जिसने भारतीय साहित्य में एक नई विधा को ही इतना बेहतर बना दिया कि वह विधा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। आज जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई जी का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी शुरू की और उसके बाद विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपना जीवन यापन किया। किंतु 1957 में इन्होंने अपना नौकरी छोड़ दी जिस समय वो अध्यापन कार्य में लगे हुए थे और स्वतंत्र रूप से लेखन शैली को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसे साहित्यकार थे, एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने लेखन शैली में व्यंगात्मक शैली को अपनाया या व्यंगात्मक शैली को बहुत प्रमुखता से लिखा। व्यंगात्मक शैली दोस्तों वो होती है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को हास्य के माध्यम से एक कटाक्ष करते हुए, आलोचना करते हुए आप उसकी बुराइयों को उजागर करते हैं। ठीक है, तो ये होती है व्यंगात्मक शैली और इस व्यंगात्मक शैली को हरिशंकर परसाई जी ने बहुत प्रमुखता से सामने लेकर आए। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें रानी नागफनी की कहानी, तिरछी रेखाएं, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, इस तरह की रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की बहुत प्रमुख थी उस समय जब भारतीय लेखन शैली बहुत ही साहित्यिक गतिविधियों में लिप्त था। उस समय हरिशंकर परसाई जी ने व्यंगात्मक रूप से न केवल साहित्यिक शैली को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, ठीक है, या जो बुरी रीति रिवाज चल रहे थे उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से व्यंगात्मक शैली को एक नई पहचान दिलाने में हरिशंकर परसाई जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 10 अगस्त 1995 को जबलपुर जिले में। धन्यवाद।